Very good morning, students. Welcome to Sierra International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is good at your home. In the last class, we discussed about a term, Newton's first law of motion and their application. And today, before starting the Newton's second law of motion, we'll discuss about a term, momentum. It is a very important term. और हम इसके बारे में आज कंप्लीट टॉपिक स्टडी करना है बेटा कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो पूरा मोमेंटम के ऊपर बेस है बेटा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम है क्या, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या क्या होता है। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन एंड हैविंग सम मास मींस, ऐसा कोई भी इफेक्ट या ऐसा कोई भी इम्पैक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके थ्रू प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलते हैं बेटा मोमेंटम। मींस फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को थ्रो किया, जैसे ही आपने बॉल को थ्रो किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, बॉल के अंदर कुछ ना कुछ मास है। क्लियर? और जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो बॉल किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक तो इसका मतलब क्या है, उस बॉल के अंदर कुछ ना कुछ क्या है बेटा, मोमेंटम। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कुछ मास हो, एवरीथिंग पोजेस सम मास। क्लियर? तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो मोशन में हो, मोशन मींस उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, तो उसके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मोमेंटम। इज इट क्लियर? इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मास है, कितनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है बेटा, मोमेंटम। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा पी से। मोमेंटम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इज इट क्लियर? एंड द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। एम डिनोट कर रहा है बेटा यहाँ पर मास को, और वी किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हमें एक चीज पता चलती है कि जो मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मींस अगर हम मास को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, डबल। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल। दोनों एक दूसरे के क्या है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास भी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी भी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? अब क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो मोमेंटम जो है बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास दोनों चीज होती है, मास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, तो जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करता है बेटा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। मींस जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुआ? यूनिट की अगर हम बात करें द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे फाइंड आउट किया हमने इस यूनिट को, हमने फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूला मोमेंटम का होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की तो किलोग्राम को किसमें करेंगे, चेंज करेंगे हम ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर एंड सेकेंड एचडी। सो द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब अगर आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो होगा, तो वो कंडीशन क्या होगी बेटा। देखो मास हर बॉडी का कुछ ना कुछ होता है, बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है। और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, मैं यहाँ पर जीरो पुट करूँगा तो मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू जीरो जीरो। तो कंडीशन कौन सी होगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में, मीन्स वो मोशन में नहीं है, वो किसमें है, रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो। इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? सो एवरीथिंग विच इज इन मोशन ऑलवेज पोजेस द मोमेंटम। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसमें हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ? अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ मास है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मास है। और जब हम रनिंग कर रहे हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ हम रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी क्या होगा उस टाइम, मोमेंटम होगा। अगर कोई गाड़ी जा रही है आपके सामने से तो गाड़ी का कुछ ना कुछ मास
और किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, तो उसके अंदर भी क्या होगा बेटा, दैट इज ऑल्सो पोजेस सम मोमेंटम। तो आई होप को आपको मोमेंटम का मीनिंग समझ में आया होगा कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी बॉडी जो मोशन के अंदर है हमेशा क्या पोजेस करती है, मोमेंटम पोजेस करती है। अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अगर बॉडी ज़्यादा स्पीड से मोशन कर रही है तो अभी मोमेंटम क्या होगा उसका, ज़्यादा। क्लियर, समझ में आया? अब हम इसके बेस के ऊपर मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। क्लियर, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, व्हाई इट इज इजियर टू कैच अ टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। आपके सामने से एक तो टेनिस की बॉल आ रही है बेटा, और एक आ रही है आपके पास क्रिकेट की बॉल। क्लियर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों में से मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा। भाई ऑब्वियसली बात है, हम जो टेनिस खेलते हैं वो कॉस्को की बॉल से खेलते हैं, और क्रिकेट किससे खेलते हैं, लेदर की बॉल से। तो किसका मास ज़्यादा है, कॉस्को की बॉल का या लेदर की बॉल का? लेदर का, कॉस्को की बॉल हल्की होती है। क्लियर, तो अब मास जब लेदर की बॉल का ज़्यादा है और क्रिकेट उसमें टेनिस की बॉल का क्या है, कम, बट दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, दोनों एक जैसी वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, लेदर की बॉल का, क्योंकि मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है। सो इट इज़ ईजियर टू कैच अ टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू अ क्रिकेट बॉल। रीज़न, क्योंकि क्रिकेट बॉल के पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, ऑल्सो हैज़ अ वेरी लार्ज मोमेंटम एज कम्पेयर टू द टेनिस बॉल। सो इट इज़ ईजियर टू कैच अ टेनिस बॉल एज कम्पेयर टू अ क्रिकेट। इज इट क्लियर? एक एप्लीकेशन आती है बेटे इसकी, वाई अ रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड आर मच वर्स देन एक्सीडेंट एट द लो स्पीड। एक तो एक्सीडेंट होता है बेटा बहुत हाई स्पीड से, और एक एक्सीडेंट होता है बहुत स्लो स्पीड से, दोनों में से कौन ज़्यादा डैमेज करेगा, किस में ज़्यादा खतरनाक हो सकती स्थिति, दैट इज रोड एक्सीडेंट टेक प्लेस एट हाई स्पीड। रीज़न, क्योंकि अगर स्पीड कम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो मोमेंटम क्या होगा उसके अंदर, ज़्यादा, क्योंकि हमने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। भाई अगर हाई स्पीड पर आ रही तो वेलोसिटी ज़्यादा है, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा उस कंडीशन में, ज़्यादा होगा, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द व्हीकल रनिंग एट हाई स्पीड इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द व्हीकल एंड द इंजरीज टू द पर्सन ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराने के दौरान। वाइल द व्हीकल्स रनिंग एट लो स्पीड हैज़ वेरी लेस मोमेंटम। जब कम मोमेंटम होगा तो उस कंडीशन के अंदर खतरा भी क्या होगा हमारे पास। क्लियर हुआ? वी कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना चाहे, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ध्यान रखना, आपके पास एक स्टोन है, पत्थर है आपके पास, और आप उस पत्थर में अलग अलग तरह का मोमेंटम प्रोड्यूस करवाना चाहते हो। अब पत्थर का मास तो फिक्स हो गया बेटा, उसके मास को तो आप चेंज कर नहीं पा रहे हो, अब आप उसका मोमेंटम कैसे चेंज कर सकते हो, अगर आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दो। एक बार तो हम पत्थर को बहुत तेज स्पीड से फेंक रहे हैं तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, एक बार हम पत्थर को बहुत धीरे फेंक रहे हैं तो मोमेंटम भी क्या होगा उस कंडीशन के अंदर, कम। इज इट क्लियर? अब मैं आपको कुछ जनरल एप्लीकेशन बताता हूँ इसकी। जैसे आपने देखा होगा जो कराटे प्लेयर होते हैं, एक किक के अंदर वो स्लैब्स तोड़ देते हैं, है ना, बर्फ़ के स्लैब्स होती हैं या पत्थर होते हैं, मार्बल स्टोन्स होते हैं, वो एक किक के अंदर तोड़ देते हैं। अगर हम देखो उसका रीज़न बताता हूँ क्या होता है, वो अपने हाथ को बहुत स्पीड से लेकर आते हैं ऊपर से ऐसे। जब वो अपने हाथ को बहुत स्पीड से लेकर आते हैं बेटा, तो हाथ का मास तो कॉन्स्टेंट है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही वो स्लैब से स्ट्राइक करता है उनका हाथ, तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा मोमेंटम किस में ट्रांसफर हो जाता है, मार्बल स्टोन स्लैब्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते और सारे के सारे स्टोन ब्रेक डाउन होते चले जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम। जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज़्यादा वो चीज़ें इफेक्ट होगी। क्लियर? अब मैंने एक न्यूमेरिकल दिया इसके अंदर, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ कार ऑफ मास 200 ग्राम। एक कार है जिसका मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम, कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो, 5 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है वो कार कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करेगी। तो पहले हमें मास ग्राम में दे रखा है, उसको किस में चेंज करेंगे हम, किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करके, तो 2/10 किलोग्राम,
वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें, 5 मीटर पर सेकेंड। वही फॉर्मूला लगा दो मोमेंटम का, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास हमारा 2 अपॉन 10, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 से 10 अपॉन 10, इसको कैंसिल किया हमने तो कितना आ गया मोमेंटम, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट याद होनी चाहिए बेटा मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ऐसे अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इसके और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कम्प्लीटली मोमेंटम के टॉपिक के ऊपर बेस होगा, क्लियर। तो इसको टॉपिक को अच्छे से रीड करना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये कल के जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे होम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.